दिल्ली के 5 बॉर्डर पॉइंट पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हैं। किसानों का यह कहना है कि वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार होकर आए हैं। सरकार ने 3 दिसंबर को किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन किसानों का कहना है जो भी बातचीत होगी वो सिंघू बॉर्डर पर होगी। अभी दिल्ली आए हैं, दिल्ली जब तक बैठेंगे, जब तक हमारा जो इन्हें काले कानून पास किए हुए हैं, कानून बनाए हुए हैं, जब तक वो रद्द नहीं कर देते। मोदी जी खुद बातचीत करें और पूरे देश की 500 से प्लस जथेबंदियां हैं उनको निमंत्रण दिया जाए। सबको बंदोबस्त साढ़े को बंदोबस्त भावे 6 महीने लग जाए ऑर्डिनेंस रद्द करा के जावा। लंबे आंदोलन के लिए तैयार है किसान। गाना बजाना, खाना पीना सारा इंतजाम है। पूरी तैयारी के साथ बॉर्डर पर जमा है किसान। किसान अभी भी सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उनका कहना है जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम यहां से टस से मस नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कि किसानों ने रात सड़क पर किस ढंग से बिताई है और यहां तमाम नेता और किसान आंदोलनकारी डटे हुए हैं। देख सकते हैं कि सड़कों पर, ये सिंधु बॉर्डर का इलाका है जहां पर सड़कों पर लोग अभी भी यह ऐसे बिछा करके सोए हैं, रात इन्होंने ऐसे ही बिताई है। कृषि सुधार कानून के खिलाफ आंदोलन का आज 5वां दिन है, लेकिन सरकार और किसानों के बीच सुलह का अब तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। बीच का रास्ता निकालने के लिए बीती रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में करीब 2 घंटे तक बैठक चली। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आंदोलन कर रहे किसानों को बुराड़ी आकर प्रदर्शन करने और बातचीत का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसानों ने बुराड़ी जाने की सरकार की पेशकश को ठुकरा दिया। किसानों का साफ कहना है कि वो किसी शर्त के साथ बातचीत नहीं करेंगे। पंजाब हरियाणा के किसान सिंघू बॉर्डर पर बातचीत करना चाहते हैं, जबकि गाजियाबाद पर डटे यूपी के किसान जंतर मंतर या बोट क्लब में प्रदर्शन की इजाजत पर अड़े हुए हैं। जब सरकार ने गलबात को भी कंडीशन लगा दिया है, हुण असीं बडारी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। किसानों को हरियाणा में ही रोकने की कोशिशें भी बेकार हो गई हैं। किसानों का एक बड़ा हुजूम दिल्ली में पैर जमा चुका है। हालात ये हैं कि दिल्ली चारों ओर से घिर चुकी है। दिल्ली से बाहर जाने वाले सभी रास्ते बंद पड़े हैं। हरियाणा को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर पर हजारों किसान डटे हुए हैं। उधर गाजियाबाद बॉर्डर पर भी किसानों का डेरा है। पुलिस ने जैसे तैसे इन्हें रोक रखा है। वहीं किसानों का एक जत्था दिल्ली के बुराड़ी मैदान पर पहुंच चुका है और आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। सोनीपत को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर पर किसानों का जत्था पहले से ही पहुंच चुका था। ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। उधर गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर जमा यूपी के किसान भी दिल्ली पहुंचने की कोशिश में हैं। हम जाएंगे तो वोट क्लब पर जहां 34 साल पहले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत गए थे वहीं जाएंगे या जंतर मंतर जाएंगे, हम बुराड़ी नहीं जाएंगे। जब तक MSP पे कानून नहीं बनाया जाएगा, जब तक निरंतर यही आक्रोशित रहेगा किसान। 3 बातें एकदम साफ हैं। पहली ये कि किसान बुराड़ी में बातचीत करने को तैयार नहीं है। दूसरी ये कि किसानों के अलग अलग संगठनों में बातचीत की जगह शर्तों को लेकर अभी भी तालमेल नहीं है। और तीसरा ये कि किसान लंबी तैयारी के साथ आए हैं, यानी अगर बातचीत का रास्ता नहीं निकला तो आंदोलन लंबा चलने के पूरे आसार हैं। आज तक ब्यूरो।